थप्पड़ मारा आपने? क्यों? क्योंकि मैंने ये सब बोला इसलिए। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बोल रहा हूँ ये सब? नहीं आंटी जी, ये सब मैं नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको लोग क्या बोल रहे होंगे। आपके थप्पड़ मारने से कुछ बदल जाएगा? अगर आपके थप्पड़ मारने से चीजें उलट पलट जाएगी, चीजें बदल जाएगी, तो मारिए और मारिए और थप्पड़ मारिए। थप्पड़ मार रहे हैं ना अपने आप को? थप्पड़ मारने ना तुम्हें, तो जाओ इस घर से बाहर, जाओ और जितने थप्पड़ मार रहे ना मारो अपने आप को। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में इतने गंदे शब्द इस्तेमाल करने की? तुम होते कौन हो? रिवाज, रस्में, कस्में, ये सब उलट पलट जाएंगे, बदल जाएंगे क्या? अगर ऐसा हो सकता है तो मुझसे ज्यादा खुश नसीब और खुश इंसान आज की तारीख में और कोई नहीं होगा। अब बताइए आंटी, ऐसा हो सकता है क्या? अगर ऐसा हो सकता है तो मैं चुप रहूंगा, मैं यहां से चला जाऊंगा। अब फिर मारी का मुझे जितनी थप्पड़ है मारनी है। आंटी जी, आप चुप क्यों हैं? आंटी जी, अगर आप चाहे भी ना तो भी उस क्रिकेटर को अपना दामाद नहीं बना सकती है, क्योंकि जिसे आप दामाद बनाने की सोच रही हैं वो खुद नहीं चाहता कि वो आपका दामाद बने, यानी कि वो खुद नहीं चाहता कि वो प्रीता जी का पति बने। आंटी जी, कहीं ऐसा तो नहीं है आपने कहीं उनकी शादी स्वीकार तो नहीं ली? कपड़े बदल ले। आंटी जी, आप चुप क्यों, आप बोलती क्यों नहीं? आपने उन दोनों की शादी स्वीकार ली क्या? आंटी जी, आप किस उलझन में फंसी हुई हैं? देखिए, अगर आप उलझन में हैं तो मैं हूं ना, इसी वजह से तो मैं यहाँ आया हूँ आपकी मदद करने के लिए, ताकि आप एक सही डिसीजन ले पाओ। आंटी जी, देखिए मेरी बात सुनिए, समझिए, अगर आप चाहे भी ना तो भी उस क्रिकेटर करण लूथरा को अपना दामाद नहीं बना सकती हैं, क्योंकि वो खुद नहीं चाहता कि वो आपकी बेटी का पति बने। अरे वो खुद छोड़िए, उसका परिवार नहीं चाहता कि आपकी बेटी उनकी बहू बने। अरे कोई नहीं चाहता, कोई नहीं स्वीकारेगा आपकी बेटी को सिवाय मेरे। कोई नहीं चाहेगा। करने वाले सुनाने पे अंजनी ने क्या कहा? इज्जत से जाएगा या अपनी बेइज्जती करवा के जाएगा? बात कर रहा हूँ मैं इनसे, 2 मिनट दीजिए। तू ऐसे नहीं मानेगा। हाथ छोड़िए मेरा और चल। हाथ छोड़िए, मैं अभी बात कर रहा हूँ इनसे। अभी तक तेरा हाथ पकड़ के घसीट रही हूँ, बाद में ऐसा ना हो तेरे पैर पकड़ के घसीटने पड़े। ये मोहल्ले वाले करेंगे आप लोगों के साथ, हाथ पकड़ के पैर पकड़ के घसीट के मोहल्ले से बाहर निकाल देंगे। यहाँ पे भले लोग रहते हैं ना, आपकी तरह भले परिवार रहते हैं यहाँ पर। कौन सा भला, एक मिनट हाथ छोड़िए, मैं बात कर रहा हूँ ना, कौन सा भला परिवार चाहेगा कि उनकी बेटी आपकी बेटी के नक्शे कदम पर चले? चला तू पता है, मेरा हाथ छोड़ो मैं कह रहा हूँ। आंटी जी, हवा बहुत तेज है इसलिए दरवाजा अपने आप खुल गया। हवा की रफ्तार से लगता है कोई फटा तूफान आने वाला है। मैं दरवाजा बंद करती हूँ। दरवाजा बंद मत कर, आज जो तूफान आने वाला है उसे आने दे। दरवाजे खुले रख, क्योंकि अब इस घर का माहौल बहुत बदल गया है। पहले मम्मी जी, करीना दी, परिवार के सभी लोग प्रीता से इतना प्यार करते थे। जब प्रीता इस घर में आती थी खुशियां फैल जाती थी, सबके चेहरे पे मुस्कान आ जाती थी। लेकिन आज सब कुछ बदल गया है। मेरी प्रीता से कोई प्यार नहीं करता, सब उसके खिलाफ हो गए हैं, सब नफरत करते हैं उससे। और मेरी बच्ची इस नफरत के माहौल में सांस लेते लेते घुट जाती, इसलिए मैंने उसे कह दिया कि यहाँ से चली जाओ। मैं सब आप ही के बारे में बात कर रहे हैं, सब कह रहे हैं आज जो आपने प्रीता के साथ किया है ना, वो आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। वो लड़की पता नहीं अपने आप को समझती क्या है, उसकी हिम्मत तो देखिए, घूंघट की आड़ में उसने धोखे से करण से शादी कर ली। I just don't believe that girl. करीना दी, वो मैं करण को देख के आती। अब आगे क्या होगा? शायद इस वक्त प्रीता पे क्या बीत रही होगी,
यही सब सोच रहा है ना पुत्र, अगर तेरे मन में कोई बात है तो मेरे साथ शेयर कर, जी हल्का हो जाएगा और हो सकता है कोई रास्ता भी निकल आए, है ना? थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूं। तो मैं जाऊं? धक्के मारकर बाहर फेंका, आज भी यही हुआ होगा ना? उन्होंने धक्के मारकर तेरी बेइज्जती करकर तुझे बाहर फेंका होगा, और तू यहां चली आई। स्वाभिमान नाम की कोई चीज है तुझे? यही सिखाया है मैंने तुम दोनों को? एक लड़की की इज्जत उसे तार तार होने दिया तूने? हाँ, स्वाभिमान नाम की कोई चीज नहीं है ना तुझमें प्रीता? अपनी बेइज्जती पे बेइज्जती कराती रहती है और उस लड़की से शादी कर ली जो लड़की की इज्जत करना नहीं जानता। रोकर मत दिखा मुझे, तेरे रोने का कोई असर नहीं पड़ रहा आज मुझ पे, मुझे बिल्कुल दुख नहीं हो रहा। और अगर तुझे रोना ही है ना तो इस घर से बाहर जाकर रो। घर में हो रहा था, मेरी आंखों के सामने, मेरी आंखों के सामने, आपकी बेटी के सामने इतना कुछ गलत हो रहा था माँ। जब तक मैं उसे सही नहीं करती या उस परिवार की ढाल बनकर खड़ी नहीं हो जाती, मुझे कैसे चेहरा था? क्यों बनाया हमने? तुझे पता चल गया था ना, तुझे पता चल गया था ना कि सच्चाई क्या है? तुझे पता चल गया था कि वो माहिरा और वो शर्लिन मिलकर ये सब कुछ कर रही है? वो महेश जी का खून करना चाहती है? तो तुझे क्या करने की जरूरत थी? तू परिवार वालों को जाकर बता देती, तेरी तो कोई जिम्मेदारी थी नहीं ना? फिर तुझे इन सब में पड़ने की क्या जरूरत थी प्रीता? घर से भाग के जाती, फिर जाती, मेरे मना करने के बावजूद फिर उस घर में जाती। मैं तंग आ गई तुझे देखकर। तो जानती है ना तेरे घर की कितनी बेइज्जती करते हैं वो, तेरी माँ की कितनी बेइज्जती की है उन्होंने, तुझ पर कितने सवाल उठाए हैं उन्होंने, तेरी बेइज्जती करते रहते, फिर भी तू उस घर में जाती है। उस लड़के ने तुझे रात को दुल्हन के जोड़े में तुझे सड़क पर छोड़ दिया, उस लड़के से शादी करने तुम फिर चलेगी और उससे तुम शादी करके आ गई और तुम जा रही है कि मैं ऐसी बेटी को अपने घर में नहीं रख सकती। बीच में कोई खिचड़ी पक रही है, और अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूं, तुम्हारा साथ दूं, तो आज के बाद मुझसे ऐसे बात मत करना। कभी नहीं करूंगी। एनीवेज खुश तो बहुत होगी तुम, लूथराज ने प्रीता को अपनी बहू नहीं माना, कभी मानेंगे भी नहीं। और उससे भी अच्छी न्यूज पता है क्या है? जब प्रीता अपनी माँ के पास जाएगी रोती बिलकती हुई, तो उसकी माँ भी उसे धक्के मार के निकाल देगी, और आज के बाद प्रीता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शी विल बी फिनिश्ड। खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए? यस। सृष्टि अपनी माँ से किस तरह बात कर रही है? इन्होंने तो पृथ्वी को थप्पड़ मारा है। यार जानकी आंटी, आप तो रहने दीजिए, आप तो मम्मा की साइड लोगे ना, और ये पृथ्वी चाहे कितना भी गलत क्यों ना हो, माँ के लिए वो सही है। माँ को उसमें कोई खामी कोई नुक्स नहीं नजर आता, सारी खामियां तो हम में है ना। और एक मिनट, हम 21st सेंचुरी में है और इनकी सोच 100 साल पुरानी। मेरे दी के लिए खुद लड़का चूज कर रही है, क्यों कर रही है आप ऐसे? मैं पहले ही बता रही हूँ, अगर आपने मेरी दी को इस घर से बाहर फेंका ना तो मैं पता नहीं क्या कर लूंगी। चल, इस घर से बाहर निकालती हूँ तुझे। माँ, चल। माँ, अरे एक मिनट। बीच में बकवास मत कर। मैं बात कर रही हूँ ना उससे, और माँ हूँ मैं उसकी, और तेरी भी। और माँ होने के नाते बच्चों के लिए क्या ठीक है मैं अच्छे से जानती हूँ। जन्म दिया है मैंने तुम दोनों को, हक बनता है मेरा तुम दोनों पर। 9 महीने अपने पेट में रखा है मैंने, तुम्हें रोक सकती हूँ, तुम्हें टोक सकती हूँ, तुम्हारी गलतियों पर तुम्हें डांट सकती हूँ, 50 साल के भी हो जाओगे ना तब भी मेरे लिए बच्चे ही रहोगे, और इस बार गलती नहीं की है इसने, गुनाह किया है। गुनाह की सजा इसे जरूर मिलेगी। नहीं पलट सकती, जो ये फेरे लेकर आई है वो फेरे नहीं पलट सकती, तो कम से कम ये तो कर सकती हूँ।
करण से शादी करने की इसे ये सजा तो मैं दे ही सकती हूँ। बस इस चौखट के पार मत आना तो प्रीता, समझ में आया? और इस घर में इस बारे में अब कोई बात नहीं होगी। ये घर की चौखट नहीं लांगेगी, ये इस दहलीज के इस पार नहीं आएगी। सपने, तेरा वजूद। सब मिटा दूंगा मैं, तुझे बर्बाद कर दूंगा। ऐसा बर्बाद कर दूंगा जैसा इतिहास में किसी ने किसी को नहीं किया होगा। मैं अपने प्यार को भी तुझसे छीनूंगा, मेरा प्यार जिससे तूने दो बार शादी की थी ना, उसे भी छीनूंगा। मैं तुझसे प्रीता जी को छीन लूंगा। ये मेरा वादा है, पृथ्वी मल्होत्रा का वादा है तुझसे। वो नहीं जो अपने बच्चों की आंखों में और आंसू भर दे। बहुत हो गया नाटक, अब हम जा रहे हैं यहां से। जानकी आंटी, अगर आपको हमारे साथ चलना है तो आपके पास चांस है, आप चल सकती है हमारे साथ। नहीं आना है मत आइए, रहिए इस हिटलर के अंदर और पिसती रहिए पूरी जिंदगी भर। आशीष जी, मत तकदीर बने खड़े हो। चलो तो यहां से, अब हमें किसी की भी जरूरत नहीं है। चलो दी, चलो यहां से। पर भाभी ने मेरी बात कभी नहीं सुनी। फाइनली आज भाभी को भी एहसास हो गया और उन्होंने खुद प्रीता से कहा कि वो इस घर से चली जाए। I just can't believe, फाइनली ये हुआ। हाँ, पर आज जो भी हुआ वो प्रीता को इस घर में दोबारा आने से रोक नहीं सकता। लबुना आंटी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आप बड़ों के बीच में बोलना नहीं चाहती, लेकिन रमुना आंटी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं और मेरी मॉम सेम चीज से गुजर चुके हैं। आपको याद है जब मेरी और ऋषभ जी की शादी होने वाली थी, तब प्रीता ने मेरे बारे में कितना कुछ कहा। वो सब एक तरफ, उनकी दो वो कटी जली बातें, उनकी बेइज्जती, वो तुझ पर इतनी हावी हो गई कि तू उनकी बात सुनकर धक्के खाकर यहाँ पर चुपचाप चली। यही सिखाया है मैंने तुझे? ये नहीं सिखाया है मैंने तुझे। दुनिया की हर बेटी में बहुत ताकत है, अगर वो चाहे ना तो वो किसी को भी हरा सकती है। तो ये माहिरा और शर्लिन क्या चीज है? लेकिन तूने एक बार भी नहीं सोचा कि तूने किस मकसद से करण से शादी की। तुझे उस घर से बाहर निकाले, तू उस घर की बहू है, तूने उन्हें बताया नहीं? करण के साथ तेरी शादी मुझे मंजूर नहीं है, क्योंकि वो एक गलत लड़का है। उसने जो तेरे साथ किया उस शादी वाली रात, उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन मैं जानती हूं कि तूने आज करण के साथ शादी करण के लिए नहीं, महेश जी और उस परिवार के लिए की है। तो फिर जब तूने शादी उस परिवार और महेश जी के लिए की है, उनकी जान बचाने के लिए की है, तो तू वापिस क्यों आ गई? How dare you, दो कौड़ी की औरत, तेरी औकात नहीं है मेरे सामने खड़े होने की और तूने मुझे थप्पड़ मारा?
कोई बात नहीं। बदला लिया जाएगा। तूने ये जो थप्पड़ मारा ना मुझे, उसका बदला लिया जाएगा, वो भी आज, अभी, इसी बात। I am coming, सर लाल ओरा। लड़ूंगी, मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी, और आपको अपनी बेटी पर फक्र होगा माँ, कि आपने एक कमजोर बेटी पैदा नहीं की। वो बेटी पैदा की जो अपने लिए खड़ी हो सकती है। हम लोगों ने एक फैसला किया है, मेरे ख्याल से तुझे भी सुनना चाहिए। कैसा फैसला? शादी का फैसला भाभी। किसकी शादी? ऑब्वियसली करण और माहिरा की। हम लोग सोच रहे हैं कि कल सुबह हम करण और माहिरा की शादी करवा दें। राखी पुत्र, तू भी तो चाहती थी ना कि करण की शादी माहिरा से हो। करण भी यही चाहता था, इसलिए मैंने कृतिका को भेजा है करण को बुलाने। सारी बातें सबके सामने अब हो जाएंगी। क्या हुआ? और फिर क्या हुआ? आपने क्या किया उसके बाद? सबसे बड़ी बात, ऐसा हुआ कैसे? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिस मंडप में वो ऐसा लड़का आपकी बेटी के साथ शादी करने के लिए बैठा था, उसकी जगह उस गिल्ली डंडा प्लेयर ने ले ली। धोखे से क्यों हुआ ऐसा? भूल गए सब आप, सब भूल गए आप। आपने क्या किया? क्या किया आपने आंटी? माँ नाम का मरहम लगा दिया मुझ पर। बोला बेटा अब जो हो गया सो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। लड़की को छोड़ दिया, पता है वो कैसा है? बस करो, प्रीता कोई चीज नहीं है। इसे कभी करण ने जीत लिया और कभी तुमने हार लिया, कभी तुमने जीत लिया और कभी उसने हार लिया। वो मेरी बेटी है, एक जीती जाती इंसान। तुम मेरी बेटी के बारे में ऐसी घटिया बात कर कैसे सकते हो? प्रीता ने पसंद किया है उसे अपने लिए, उसने बनाया है करण को अपना जीवन साथी, और इस नाते वो इस घर का दामाद है। और मेरे दामाद के बारे में अगर तुमने एक शब्द भी बोला ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब निकलो यहाँ से, चल दबाओ। ए तू चुप रह, बीच में पकड़ पकड़। चल के निकाल इसे। हाथ छोड़, हाथ मत लगा। क्या करने आई हो यहाँ? ये लोग कौन है? हम सम्मान एक सम्मान एनजीओ के कार्यकर्ता हैं। ये लोग औरतों के हक के लिए लड़ती हैं, उसके अधिकार की रक्षा करते हैं, और मैं यहाँ अपना अधिकार लेने आई। अबूझ पहेली है ये, और मेरी सहेली भी आई, और अब सिर्फ सहेली नहीं मेरी ननद भी।
कृतिका लूथरा। और अब इनसे मिले जाएंगे जिंदगी भर। तो बोलिए अपनी बेटी को, समझाइए कि इस ऑफर को आज के आज ही ग्रैब कर ले। और फिर आप जानती है ना लोगों को, 10 लोग 10 बातें और उसमें से 9 बातें सच। यही बात कि प्रीता अरोरा करण लूथरा के लिए कितनी गिर गए और करण लूथरा है कि गिरी हुई प्रीता अरोरा की तरफ देखता तक नहीं। आंटी जी, मैं कोई कुत्ता नहीं हूं कि जब चाहा और जब चाहा हट 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 कर दिया। गलती मेरी है जो आज तक मैंने अपनी वैल्यू आप लोगों को नहीं दिखाई। गलती मेरी है। और एक बात मुझे समझ में आ गई आज। आज मुझे समझ में आ गया कि आप लोग मेरी अच्छाई के लायक ही नहीं हो। जिस हाथ से बिना किसी गलती के बार बार हाथ उठाते हो मुझ पर, आंटी जी ना जी ना। बात कर, इज्जत से बात कर। मुझे पता है मैं कौन हूं। मैं तुझे साली बना सकता हूँ। अभी आज के आज तेरी 2 बार छोड़ी हुई बहन के साथ शादी कर सकता हूँ। तेरे माथे पर साली का स्टैंप लगा सकता हूँ मैं। सो तमीज से बात करने का। अबे चुप। तुझे तो मैं फ्री का नौकर ना बनाऊ जीजा माय फट। तुझे पता है मेरी दी मेरे असली वाले जीजा के पास गई है, अपने ससुराल गई है वो। और मेरे माथे पे साली का स्टैंप उसी दिन लग गया था जिस दिन मेरी दी ने करण सर के साथ शादी की। और अब तो 2-2 बार शादी की है मेरी दी ने। तो ख्याली पुलाव बनाना बंद कर और निकल यहां से। अब हमारे सामने इतनी बदतमीजी से पेश आ रहे हैं, अगर हम नहीं होंगे तो आप इनके साथ कैसे पेश आओगे? बहुत बदतमीजी से पेश आएंगे। अब सोच भी नहीं सकते, उतनी इंसल्ट करता है, उतनी बदतमीजी से पेश आता है। देखा आप लोगों ने कैसे प्रोवोक कर रही है मुझे। गुस्सा आ जाएगा मुझे। गुस्सा आ जाएगा? मतलब अभी तक तुम गुस्से में नहीं हो? देख रहे हैं आप, अभी ये गुस्से में नहीं है। अभी इसको गुस्सा आएगा। जब गुस्से में नहीं होता है तो इतनी बदतमीजी से बात करता है। जब गुस्सा आएगा तो मेरा जीना मुश्किल कर देगा। अभी तक मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, लेकिन आप इस तरीके से धमकी के बहुत अच्छे दोस्त है इसीलिए इस पे तरस खा के ये सारी बातें कह दी। मेरे हस्बैंड के लिए इनके भाई से ज्यादा इम्पोर्टेंट इनकी दोस्ती है। एक मिनट शैल, ऋषभ मेरा भाई इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करता है। सो डोंट लाई, ओके? अरे करण, ये रिश्तों के बारे में बात नहीं हो रही है, सिचुएशन के बारे में बात हो रही है। अंडरस्टैंड? यू ऑल्सो अंडरस्टैंड वन थिंग, मुझे झूठ से सख्त नफरत है। अगर झूठ से इतनी नफरत है तो तुम ही क्यों नहीं सच बोल देते? उस दिन सहरे की आड़ में तुमने मुझसे शादी की थी या नहीं? आप तो माँ हैं, करण की माँ और प्रीता की सासू माँ। सासू माँ भी तो माँ के जैसे होती है। फिर आपने अपने बेटे से कुछ कहा क्यों नहीं? उसे रोका क्यों नहीं? और मिस्टर ऋषभ, आप तो प्रीता के जेठ है ना, दोस्त जैसे, आपने भी कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया। कृतिका लूथरा, तुम तो एक लड़की हो ना, इस घर की बेटी, तुम्हें तो समझना चाहिए था। क्या तुम भी नहीं समझी? एक लड़की को शादी करके जब छोड़ दिया जाता है तो उसके ऊपर क्या गुजरती है? You know what? आज तुम यहाँ पर आई हो ना, इसके लिए बहुत पछताओगे तुम। इस रात के लिए बहुत पछताओगे तुम कि तुम इस घर में आई क्यों। और आप लोग, जब आप लोगों को सच्चाई पता चलेगी ना, तब आप लोग हाथ जोड़ के मुझसे और मेरी फैमिली से माफी मांगेंगे। जस्ट वेट एंड वॉच।
बातों में आ जाती थी। आज देखा नहीं क्या हुआ, हमेशा प्रीता भाभी को राखी आंटी बुलाती है, लेकिन आज आज राखी माँ बुला रही थी ताकि भाभी वो शब्द सुन के इमोशनल हो जाए और उसे इस घर में रहने की इजाजत दे दे। जब प्रीता अरोरा ने देखा कि ऐसा नहीं हुआ और कोई नहीं चाहता कि वो इस घर में रहे, तो इसने एक नया दाव चला, एनजीओ वालों को लिया यहाँ पे ताकि वो इस घर में घुस सके। अब वो इस घर में आ गई है, वो अपना हक जताएगी करण पे, हम सब पे। दैट्स व्हाट शी वांट्स। करीना दी, इस बार तो मुझे भी बहुत बड़ा शॉक लगा है। अगर कोई भी मेरे परिवार के मान सम्मान के साथ खेले, वो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। वो लड़की मेरा दिल जीत नहीं सकेगी, कभी नहीं जीत सकेगी, क्योंकि उसने गलत किया। आई विश पृथ्वी और प्रीता की शादी हो गई होती। करण को क्या जरूरत थी धोखे से शादी करने की उस प्रीता के साथ? अगर पृथ्वी और प्रीता की शादी हो गई होती तो हमारी लाइफ कितनी डिफरेंट होती, हम सब कितने खुश होते। मेरी बेटी के बारे में इतने गंदे गंदे शब्द इस घर में खड़े होकर तुम्हारी बोलने की हिम्मत कैसे हुई? वो तो प्रीता का भाग्य अच्छा है जो उस दिन करण तुम्हारी जगह पर आ गया। बच गई मेरी बेटी एक ऐसे घटिया और जानते शादी करने से। मैं हमेशा भगवान से दुआ करूंगी कि पूरी दुनिया में किसी को भी तुम जैसा दामाद ना मिले, तुम जैसा बेटा ना मिले। घटिया धोखला तुम, बस अब तुम अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकल जाओ और अपना चेहरा जिंदगी भर मुझे मत दिखाना। दृष्टि से बाहर फेंक। ढूंढते ढूंढते ही मेरे पास आ जाएगी। मैं आज यहाँ से प्रीता जी के बिना नहीं जाऊंगा। प्रीताजी, प्रीताजी, पृथ्वी पागल हो गया क्या? प्रीताजी बाहर आई है ना, प्रीताजी बाहर आई है। मैं जानता हूँ इन सब लोगों ने आपको छुपा के रखा हुआ। प्रीताजी मैं आपको ले जाने के लिए आया हूँ। पृथ्वी, प्रीता यहाँ नहीं है। प्रीता अपने ससुराल में जहाँ उसे होना चाहिए था, वो इस घर में नहीं है। प्रीताजी, प्रीता यहाँ नहीं है। प्रीताजी यहीं पर है। प्रीता जी, देखो कौन है आपका? पृथ्वी जी। ऐसे नहीं मानेगा, इसको ना मार के पुराना घर देखते हैं। इसको कैसा तीज आदमी है, है? प्रीता जी, पागल जी आने प्रीता जी ये देखो ये सब। चल गोली, बेशरम से बेशरम आदमी भी हो ना, उसका भी शर्म आ जाए, है? प्रीता जी, पागल जी। प्रीता जी, माँ, ये ऐसे नहीं मानेगा, मैं पुलिस को फोन करती हूँ। हाँ, पृथ्वी, हम सब ने आपसे बारी बारी कहा है कि प्रीता यहाँ नहीं है, वो वहाँ अपने घर ससुराल में है, लूथरा हाउस में। आप जाइए वरना हम पुलिस को बुला लेंगे और फिर वो आपको धक्के मार के बाहर फेंकेगी। प्रीता जी, सच में लूथरा हाउस चली गई? चल सुन लिया तू, चल लूथरा हाउस दफा यहाँ से। पैरों तले बिछ गए होते, मेरी खातिरदारी करते। कोई बात नहीं, सबको अपने पैरों तले बिछाऊंगा मैं, सबको, क्योंकि मेरा नाम है पृथ्वी मल्होत्रा और काम सबको अपने पैरों के नीचे झुकाना। देख लूंगा मैं। जानकी आंटी आप ठीक है ना? हाँ माँ, हाथ को ज्यादा तो नहीं मरोड़ा ना उसने? लड़की सही नहीं थी। बिल्कुल सही। एक्चुअली हमने भी उसकी पूरी कहानी सुनी थी, जैसे हम इसका साथ दे रहे हैं वैसे उसका भी साथ दिया था, लेकिन जब पुलिस आई तो पूरी कहानी बदल गई। मालूम पड़ा कि वो लड़की जालसाज थी और वो सिर्फ पैसों के लिए उस घर में घुसना चाहती थी। हाँ, लेकिन लाखों में कोई एक केस ही ऐसा निकलता है। बट वी आर श्योर कि तुम्हारे केस में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, ये केस रेयर ज़रूर है क्योंकि आपकी शादी एक सेलिब्रिटी से हुई है, पर उन्हें हर कीमत पर तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है।